हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 2% के ऊपर की गिरावट के साथ रिलायंस पावर में क्लोजिंग देखने के लिए मिली। पूरे मार्केट में ही हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला था लास्ट ट्रेडिंग डे में। इसके चार्ट पैटर्न को देखो तो 38 के लेवल से लगातार गिरावट में स्टॉक। जब गिरावट में था हमने डिस्कस किया था 29-30 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट का रोल प्ले करने वाला है रिलायंस पावर के लिए, और देख सकते हैं स्टॉक उसी के सब लेवल के सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेता हमको नज़र आया। एक ऑलमोस्ट 29 के लेवल से एक जंप दिखाया स्टॉक ने, कहाँ तक का, 32 तक का। इससे पहले जहाँ से रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई थी वहीं तक का जंप दिखाया। ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट था और अपसाइड के लिए और तेज़ी के लिए, लेकिन स्टॉक ने लिया है रिजेक्शन और लो चार्ट पैटर्न यहाँ बनते नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अब और गिरावट आती है तो नीचे की ओर 29 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट है और आखिरी सपोर्ट भी है रिलायंस पावर के लिए। आखिरी इसलिए क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर गया तो फिर वैसे कंडीशन में 26 से लेकर 24 तक का फिर फॉल दिखा सकता है। मेजर सपोर्ट है रिलायंस पावर का 29-30 का जो लेवल है, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना है क्योंकि 32 के लेवल से सेकंड टाइम स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है। अगर इस लो को ब्रेक डाउन कर गया गिरावट के साथ तो फिर बड़ी गिरावट, लेकिन अगर स्टॉक बाउंस बैक करता है तो 32 तक का जम दिखा सकता है। 32 के लेवल को ब्रेकआउट करके 2-3 दिन इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। याद रखिएगा 2-3 दिन सस्टेन होने देना है क्योंकि जंप स्टॉक दिखा रहा है लेकिन जंप पर रिजेक्शन फेस कर रहा है, इसलिए 2-3 दिन सस्टेन होने देना है। अगर ये सिनारियो रिलायंस पावर में नज़र आता है तो ऐसे कंडीशन में फिर रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। फिर नेक्स्ट टारगेट 34 का लेवल और 38 से लेके 40 तक के भी फिर टारगेट दिखा सकता है, लेकिन कंडीशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।